सिवान के गोरियाकोटी थाना इलाके के सिसई से बड़ी घटना सामने आ रही है, जहां पर बीती रात पेट्रोल पंप पे कुछ अपराधी तेल लेने के लिए पहुंचे और जब कर्मी के द्वारा पैसा मांगा गया तो उसे गोली मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया गया। बताते चले कि यह गोरियाकोटी थाना इलाके के सिसई पेट्रोल पंप की घटना है, बीती रात की घटना है। अपराधी बाइक पर सवार पहुंचे हुए थे और पेट्रोल लिए, फिर पेट्रोल पंप के कर्मी के द्वारा जब पैसे की मांग की गई तो उन्होंने उसके पैर में गोली मार दी। इस घटना के बाद से घायल पेट्रोल पंप कर्मी को इलाज के लिए सिवान सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। हालांकि जिस तरह से देखा जा रहा है कि आए दिन पूरे बिहार सहित सिवान में अपराध का ग्राफ काफी बढ़ गया है और पुलिस प्रशासन अपराध को रोकने में पूरी तरह से नाकामयाब साबित हो रही है, जिसका नतीजा है कि सिवान में बीती रात अपराधियों ने पेट्रोल पंप कर्मी को गोली मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया है। बताते चले कि यह वही पेट्रोल पंप है जो लगभग 24 घंटे लोगों की सेवा प्रदान करता है। ऐसे में अब पेट्रोल पंप के मालिक को भी यह डर सता रहा है कि रात में लोगों के लिए हम लोग रात भर जग कर पेट्रोल पंप चलाते हैं और जब इस तरह से अपराधी घटना को अंजाम देने लगेंगे तो फिर हम लोग रात में पेट्रोल पंप क्यों चलाएंगे। तो सिवान से बड़ी खबर, जहां पे गोरियाकोटी थाना इलाके के सिसई पेट्रोल पंप के जो कर्मी हैं उनको गोली मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया गया है। अब देखना होगा कि सिवान की पुलिस उन अपराधियों तक कब तक पहुंच पाती है, यह तो अब आने वाला समय ही बताएगा।